नमस्कार। क्या आप अक्सर उदास महसूस करते हैं अपने आप को, या क्या आपके अंदर बहुत मूड स्विंग्स होते हैं? इतना ही नहीं, आप काफी स्ट्रेस्ड रहते हैं। तो आज मैं आपको इन सारी चीजों को दूर करने के लिए 5 चीजें बताऊंगी, जिससे आपके हैप्पी हॉर्मोन्स उत्तेजित होंगे और आपके मन और शरीर में खुशी की भावना जागृत होगी। पहला, सही खाना, स्वस्थ खाना खाएं। जब आप हेल्दी खाना खाते हैं तो आप फिट ही नहीं महसूस करते, आपका मूड भी काफी अच्छा रहता है और आप काफी एनर्जेटिक भी महसूस करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। क्या आपको पता है कि सेरोटोनिन नाम का एक हैप्पी हॉर्मोन एमिनो एसिड ट्राइफोटैन से प्रभावित होता है? आपको ये ट्राइफोटैन केले, दूध, नट्स में मिलेंगे। दूसरा हैप्पी हॉर्मोन डोपामाइन अमीनो एसिड ट्रायोसिन इससे सिंथेसाइज होता है, जो आपके दूध के प्रोडक्ट्स में आसानी से मिल जाता है। तो अगर आप अपने डाइट में ये सारी चीजें शामिल करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी और आपको अच्छा महसूस होगा। दूसरा, सूर्य की रोशनी ले। जब आप सूर्य की रोशनी लेते हैं तो आपका शरीर विटामिन डी का उत्पादन करता है, जिससे आपके शरीर में सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। सूर्य की रोशनी लेने से आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, आपका सर्कैडियन रिदम या शरीर का इंटरनल क्लॉक सही हो जाता है। इतना ही नहीं, इससे आपका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो सही हो जाता है, जिससे आप आसानी से रात में जल्दी सो सकेंगे और सुबह जल्दी उठ पाएंगे। इसीलिए रोज सूर्य की रोशनी कम से कम 10 से 15 मिनट जरूर लें। तीसरा, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या प्राणायाम करते हैं तो इससे आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, जिससे आपकी टेंशन और एंजाइटी कम हो जाती है। प्राणायाम के अभ्यास से आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल ये कम हो जाता है और आपका हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन बढ़ जाता है। इससे आपका मूड अच्छा होता है, आप पॉजिटिव महसूस करते हैं, आपका डिप्रेशन का भाव कम हो जाता है, आपका ऑक्सीजन लेवल और ब्लड फ्लो बढ़ता है, डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे आप कम उदास या डिप्रेसिव महसूस करते हैं। चौथा, खुद को क्रिएटिव रूप से एक्सप्रेस करें। देखिए, क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट लोगों के लिए ही नहीं है, आप भी खुद को क्रिएटिव रूप से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ड्राइंग, पेंटिंग वगैरह। इस तरह से आप एक क्रिएटिव फ्लो में आ जाते हैं और इस तरह से आपको खुशी मिलती है और आप अपने अंदर से काफी सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। पांचवा, कर्मयोग। कर्मयोग का मतलब है आप बिना किसी स्वार्थ के काम कर रहे हैं, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ मुझे काम करने से क्या फल मिलेगा, बस आप अपना कर्तव्य करते जा रहे हैं। आप किसी एनजीओ में काम कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद के लिए काम कर सकते हैं। आप हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश करें और मन में नम्रता की भावना रखें। ऐसा करने से आपके शरीर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है, जिससे आपका मूड अच्छा होता है और आपके मन में प्यार की भावना जागृत होती है। तो इन सभी 5 तरीकों से आपके मन में सकारात्मकता जरूर आएगी और आप जिंदगी भर खुशी और संतोष की भावना के साथ जिएंगे। शुभमस्तु। नमस्कार।